मॉर्निंग बच्चों, देखो ये पेज नंबर 64 में आपको पढ़ाई थी, ये एडिशन कैसा करना है मैं बताई थी, आज फिर से एक बार करेंगे हम। देखो ये 1 + 1 = 2 क्या होगा, 2। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लाइन बनाना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लाइन बनाना, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। देखो यहाँ पर 6 है, 6 + 3, यहाँ पर 6 लाइन खींचना, यहाँ पर 3 लाइन खींचना, 6 और 3 प्लस कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9। ओके, तो चलो मैं अभी फिर ब्लैक बोर्ड में बता रही हूँ। देखो 5 + 1 = देखो यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर हमें कितना लाइन बनाना है 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना लाइन बनाना है 1, तो इसको क्या करना है, हमें दोनों को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना 5 + 1 = कितना होगा, यहाँ पर कितना काउंट किए थे 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, हो गया। फिर देखो 6 + 3, फिर कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना लिखी हूँ 3, वहाँ कितना लाइन बनाना है 3, 1 2 3 लाइन बनाना है, उसको फिर क्या करना है काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको क्या करना है 9 लिखना है, एक साथ काउंट करके जितना नंबर आएगा उतना नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। देखो यहाँ पर 4 + 4 = यहाँ पर कितना लिखी हुए हैं 4, तो कितना लाइन बनाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर कितना है 4, 1 2 3 4, अच्छा दोनों साइड में 4 लाइन हो गया, तो उसको फिर एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना निकला 8 निकला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, इसका आंसर क्या है 8। फिर यहाँ पर 7 + 3, यहाँ पर कितना लिखे हूँ बच्चों 7, तो यहाँ पर कितना तो लाइन बनेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। यहाँ पर कितना लिखी हूँ मैं 3, 1 2 3, तो उसको क्या करना है एक साथ फिर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 0 10, हो गया। इसको क्या करना है आपको आपके मैथ कॉपी में लिखना है। ओके,